हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन सीखने वाले हैं। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि 1 मीटर में हमें पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। और यूजली क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम ये सिखाते हैं कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, जब 2 मीटर स्क्वायर आ जाए कि भाई 2 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अब दिमाग में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर। क्लास 5th to 10th हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nandkishoreclasses.com विजिट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6283505240 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप जरूर देखिएगा, ये गलती अक्सर होती है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तब तो 100 से करना है, लेकिन जब मीटर स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, याद भी ऐसे रखना बहुत आसान है। मीटर स्क्वायर का मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर 2 को एक बार 100 से नहीं, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी कि इसको आगे फर्दर लिखें तो ये देखिए जी 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं। और यहाँ पे कई बार तो ये भी डिस्कशन आती है कि जो 2 बार क्यों किया। मैंने हालांकि बोला आपको कि मीटर स्क्वायर है इसलिए 2 बार करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको स्प्लिट भी करूँ ना, ये देखिए मान लीजिए अब 1 मीटर स्क्वायर है, आप 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे जी, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर लिख सकते हैं ना। ये मैं स्प्लिट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जी एम मल्टीप्लाई एम एम स्क्वायर, समझने का तरीका बहुत अच्छा है। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 सेंटीमीटर, कर दिया। अब देखो 100 और 100 तो मल्टीप्लाई हो गए, सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखने का तरीका भी आसान हो गया। अब जैसे ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में किया ना, तो उल्टा भी करना आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। अब देखो मीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर में गए तो मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाओगे तो डिवाइड करोगे। क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं जी। अभी देखिएगा एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं अभी पहले मीटर से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 400 सेंटीमीटर है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। तो देखिए रूल क्या होता है जी, जो भी यूनिट गिवन है, वैल्यू गिवन है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट इन मीटर्स। दैट मीन्स ये जीरोज कैंसिल हो जाएंगी, यू विल गेट 4 मीटर। कन्फ्यूजन कहाँ होती है, बच्चे कहाँ करते हैं, जब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, जैसे ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया मान लीजिए, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो फिर सेम वही रूल, अब 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस बात इतनी है, याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर से डील कर रहे हो तो 2 बार 100 लगाना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि नीचे 2 बार 100 आएगा और एक बार तो ये कट गया, तो वी गेट 4 बाई 100 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.04 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर 2 बार 100 से डिवाइड करो। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, कंसेप्ट समझ आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।
टू ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.nandkishoreclasses.com और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट आवर व्हाट्सएप नंबर 6283505240।